खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहां नहीं है। सीधे सीधे वो नज़्म पढ़ता हूँ और उस नज़्म का माहौल बनाने के लिए एक चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास। जी जी, जी, जी। के देश से हमको भगा रहे हो तुम लेकिन उस नज्म का माहौल बनाने के लिए चार मिसरे पढ़ता हूँ। अगर सच्चे लगे तो मुझे दुआएं दीजिएगा। हमसे अक्सर कहा जाता है कि हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, हमारे पुरखे यही पैदा हुए हैं, हम भी यही पैदा हुए, यही मरकर मिट्टी में मिलना है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, अगर सच्चा हो तो हाथों खोल लीजिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा, पेश करता हूँ। कि देश से हमको भगा रहे हो तुम लेकिन कि देश से हमको भगा रहे हो तुम लेकिन आजादी की शान कहाँ से लाओगे। देश से हमको भगा रहे चौथा मिस्र अगर आपके दिल को छू जाए तो मुझे दुआएं दीजिएगा। कि देश से हमको भगा रहे हो तुम लेकिन आजादी की शान कहाँ लाओगे। फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओगे। क्या कहने हैं बाबा बाबा, सुल्तान कहां से लाओगे, कहां से लाओगे। वो नज़्म जो आज मेरी कौम के लिए जरूरत है मैं पेश करता हूं बतौर खास समाधान। इरशाद इरशाद, हम एक हैं। मेरे साथ सफर कीजिएगा, मुझे दुआएं दीजिएगा। हम एक हैं, हम एक हैं, क्या क्या हम एक हैं दुनिया को, हम एक हैं दुनिया को बताना ही पड़ेगा। हम जो इसमें मिसरा है उस पर आप साथ दे दीजिएगा कि हम एक हैं दुनिया को बताना ही पड़ेगा। अब फिर कब्रस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। क्या कहने हैं बाबा बाबा, क्या कहने हैं बाबा बाबा। हम एक हैं दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। अब फिर कब्रस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। खुद पर लगा इल्जाम हटाना ही पड़ेगा। अब फिर कब्रस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। इतने ठंडे माहौल में नज़्म नहीं सुनी जाती। एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए, पेश करता हूँ। इस मुल्क की सरहद के वफादार हम ही हैं। इस मुल्क की सरहद के वफादार हम ही हैं। दुश्मन पे उठी टीपू की तलवार हम ही हैं। दुश्मन पे उठी टीपू की तलवार हम ही हैं। तारीख बताती है कि सरदार हम ही हैं। ऐलान जरे आम सुना ना ही पड़ेगा। अब फिर कब्रस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। वाह वाह वाह, को मिटाना ही पड़ेगा। अब फिर कब्रस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। बंद पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए कि हाँ जा भी मदारिस में कहीं छाप पड़ा है। क्या दुआ दीजिए। हाँ जा भी मदारिस में कहीं छाप पड़ा है। बम ढूंढने वालों को मुसल्ला ही मिला है। ढूंढने वालों को मुसल्ला ही मिला है। तुम लाख मिटाओगे मगर खत्म न होगा। कुरान तो हुफाज के सीनों में बसा है। कुरान तो हुफाज के सीनों में
अब शोला नफरत को बुझाना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को मिटाना ही पड़ेगा।